गुरुकुल रोपवे निर्माण के लिए नगर पालिका परिषद ने 15 दिनों के अंदर दुकानों को खाली करने का नोटिस दुकानदारों को भेजा, लेकिन नोटिस पीरियड खत्म होने से पहले ही दुकानों को तोड़ने की बात प्रशासन की तरफ से की गई, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने उन जिला अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक में कोई भी समाधान नहीं निकला। मसूरी में नगर पालिका परिषद ने 6 दुकानदारों को दुकान खाली करने का नोटिस भेजा, लेकिन उससे पहले ही दुकानों को तोड़ने की बात की जा रही है। नगर पालिका के इस फैसले का दुकानदारों के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। दुकानदारों के समर्थन में कई जनप्रतिनिधि SDM कार्यालय पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विकास के काम का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन दुकानदारों को बिना विस्थापित किए दुकान खाली की गई है तो इसका विरोध किया जाएगा। व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि जब नगर पालिका ने 15 दिन का समय दिया है तो प्रशासन को 3 दिन में दुकानें तोड़ने की बात क्यों कर रही है। 3 वर्ष पूर्व इसी तरह सिफन कोट के मजदूरों को बेघर कर दिया गया था, जो आज भी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। शासन को सोचना चाहिए कि मसूरी के व्यवसायियों के बारे में, निवासियों के बारे में पहले विस्थापित करें। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ भी रहा है तो उनको पूर्ण रूप से समस्त व्यापारियों को, निवासियों को विस्थापित कर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लाने चाहिए। ये एक नई रीत जो शुरू हुई है 4 साल में कि उखेड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, अतिक्रमण के नाम पर, प्रोजेक्टों के नाम पर, सरकार के आदेशों के नाम पर, DM साहब के ऑफिस आदेशों के नाम पर, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। दुकानदार बलबीर ने कहा कि अचानक दुकान तोड़ने की बात समझ से बाहर है। जब नोटिस दिया है तो 15 दिन तो होने दें और इस बीच कहीं भी उन्हें दुकान बनाकर दें ताकि वे अपने परिवार का पालन कर सके। पहले यहां के दुकानदारों को विस्थापित किया जाए या जब रोपवे बनेगा तो उसमें दुकानें आवंटित करने के लिए लिखित रूप में दिया जाए। 28 तारीख को हमें नोटिस दिया गया, उसमें 15 दिन का समय, इनको इतनी क्या जल्दी कि इसको अभी 2-4 दिन में तोड़ना पड़ रहा है। तो हमारा ये कहना कि पहले आप हमारे दुकानों का विस्थापन करो, हमारे को टैक्सी यूनियन का ऑफिस दो, गाइड यूनियन का ऑफिस दो, आप तोड़ो। और जिस दिन ये यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट जो बोल रहे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट मसूरी के लिए बन रहा है, उसमें आप हमें लिख के दे दो कि इसमें तुम्हें जगह मिलेगी, पार्किंग मिलेगी, ऑफिस मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेगी, हम उसमें तैयार हैं। बोल रहे हैं कि किसी वक्त ये कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमें 15 दिन का टाइम दे दिया गया है पहले, तो एकदम से कैसे हो सकता है कि आज या कल में हो सकता है? कम से कम जो नगर पालिका का जो EO साहब हैं, जब उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है हमें, तो 15 दिन तो कम से कम हम ये रहना चाहिए भाई, 15 दिन तक हमें कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद जो भी हो सकता है, चाहे हम कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, इस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं या कुछ भी है। लेकिन अब ये प्रशासन है या नगर पालिका का कुछ है कि जो कि मतलब एकदम से कभी भी हो सकता है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।